सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर वी ट्रेड क्रिप्टो चैनल। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले बेल आइकन को भी दबा देना। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, अगर आपने चेकआउट नहीं करा है तो आप चेकआउट भी कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। या हम डेली बेसिस पे आपको सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। डेली बेसिस पे यहाँ चार्ट एनालिसिस होता है, मंथली एनालिसिस होता है और वीकली एनालिसिस होता है, और यहाँ पर सीधा हम पोस्ट करते हैं चार्ट्स को। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी अच्छी खासी स्ट्रेटजी लाया हूँ जिससे आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ओके। तो ये जो स्ट्रेटजी है ये अराउंड 90-85% वर्क करती है, ओके। तो ये स्ट्रेटजी बेसिकली आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकती है आने वाले टाइम पर, फ्यूचर में। सो बेसिकली गाइज, अगर हम बात करी जाए इस स्ट्रेटजी को, तो इसके अंदर बेसिकली दो इंडिकेटर यूज़ होंगे, एक बॉलिंजर बैंड एंड दूसरा RSI। तो अगर आपको बॉलिंजर बैंड और RSI के कम्बिनेशन पसंद है तो इस स्ट्रेटजी पे आप वर्क कर सकते हो, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने इंडिकेटर सेक्शन पे जाएंगे, बॉलिंजर बैंड लिखेंगे टेक्निकल सेक्शन के अंदर। देन सबसे पहले जो हमारा है आता है उसको हम लेंगे, बॉलिंजर बैंड, ओके। जो भी इसकी सेटिंग्स है इसको डिफ़ॉल्ट पे रखेंगे, ओके। देन जो हमारा दूसरा इंडिकेटर है उसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, यानी कि RSI, ओके। तो इस टेक्निकल सेक्शन में जाके यहाँ पे लिखेंगे हम सर्च बार में RSI, जो फर्स्ट बार में ही है वो हमें लेना है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा इसको डीपली एनालिसिस करते हैं इस इंडिकेटर का, तो ये बेसिकली वर्क कैसे करता है। प्लस मैं आपको इसकी बैक टेस्टिंग दिखाऊंगा कि कितना ये प्रूफ है कि कितना चीका से ये वर्क करता है, ओके। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं RSI की सेटिंग्स की। तो RSI की जो भी सेटिंग्स है आपको इसको डिफॉल्ट पे रखना है, ओके। स्टाइल वगैरह कुछ नहीं छेड़ना है आपको, ओके। देन यार, अगर हम इसकी बात करी जाए, जितना भी RSI अपर बैंड है 70, RSI मिडल बैंड है 50 और लोअर बैंड है 30, ठीक है। अगर आप स्टाइल सेक्शन के अंदर इसमें देखोगे तो आपको ये कुछ भी चेंज नहीं करना है, ओके। ये बेसिकली इंट्राडे वालों के लिए है, तो आपको इसको बिल्कुल चेंज नहीं करना है, ओके। देन यार, हम बॉलिंजर बैंड्स की बात करी जाए, तो बॉलिंजर बैंड्स का जो भी ये अपना सेटिंग्स है, तो बॉलिंजर बैंड्स की कोई भी सेटिंग हमें चेंज नहीं करनी है, ओके। जो डिफॉल्ट है उसको ही रहने देना है, ओके। सो बेसिकली गाइस यार, अगर मैं आपको एक बात बताऊं, कई बहुत से यूट्यूबर्स हैं, उनका मैं नाम ले लूँगा, वो बेसिकली जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसको हटा देते हैं, ओके। और कहते हैं कि ये जो सेटिंग्स है हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। सो बेसिकली गाइस, आपको एक डार्क ट्रूथ बता देता हूँ, ट्रेडिंग व्यू पे जितने भी इंडिकेटर्स आते हैं उनमें से 70-80% जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, वो डिफॉल्ट सेटिंग पे ही एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट बना के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत वैसी बात हो जाती है कि इसमें भी सेटिंग करो ये, ठीक है, ये बात घुमाने फिराने की वाली बात होती है, ठीक है। डिफॉल्ट सेटिंग पे ही हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, बेसिकली जो भी बस टाइम फ्रेम हमारा हमें पकड़ होनी चाहिए उस टाइम फ्रेम की, ओके, जिस टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग करते हैं, ओके। तो यार, अब बात करते हैं, सबसे पहले हमें समझना कैसे है। तो गाइस, सबसे पहले हम बॉलिंजर बैंड्स को समझते हैं। तो गाइस, बॉलिंजर बैंड्स में तीन बैंड्स होते हैं, ओके, एक अपर बैंड, एक मिडल बैंड, एक लोअर बैंड, ओके। जो अपर बैंड होता है वो काम करता है एक रेजिस्टेंस के तरीके, ठीक है, रेजिस्टेंस का एक काम करता है ये, ओके, ठीक है। और जो हमारा क्या कहते हैं, जो मिडल बैंड है, ये बेसिकली ये भी एक रेजिस्टेंस का काम करता है, बट ये सपोर्ट का भी काम करता है, ओके। ये बेसिकली दोनों का ही काम करता है, ओके। और जो हमारा ग्रीन बैंड है, यानी कि जो लोअर बैंड है, ये बेसिकली एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता है, ओके। तो अब हम इसमें जो बेसिकली जो बॉलिंजर बैंड्स है, ये बेसिकली ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है, ओके। हमें पहले से ही ये बता देगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में, ओके, और या फिर कंसोलिडेशन फेज में। तो बेसिकली गाइस, अब हम इसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी कैसे बनानी है, तो ये देखो। तो सबसे पहले अभी जो प्राइस चल रहा है हमारे, ये जो भी हमने चार्ट ले रखा है, सोलाना का चार्ट ले रखा है, 33,000 के करीब इसका प्राइस चल रहा है। तो आप इसमें देखोगे जो इसका मिडल बैंड है, इसके अंदर ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ओके। तो बेसिकली गाइस यार, हम इसमें अभी एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं अराउंड रेश टू रिवार्ड रख के अपना 33.04 सेंट्स डॉलर के करीब, ओके। तो ये ऐसे ही काम करता है। अगर ये हमारी जो ये मिडल लाइन है, अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे,
तो फिर हम अपना नेक्स्ट टारगेट एक अपना अप ट्रेंड का बना सकते हैं, एक छोटा सा टारगेट रजिस्टर रिवार्ड अपना बढ़ा रख सकते हैं। ओके, तो अब इसमें आपको थोड़ा डीपली मैं समझाता हूँ, ठीक है। ये तो मैंने बता दिया, ये अपर मिडल लोअर, जो मिडल होता है ये दोनों चीज़ का काम करता है बेसिकली। आप अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो मे बी एक अच्छा खासा अप ट्रेंड में हमें पोजिशन का मतलब टारगेट एग्जीक्यूशन दे सकता है ये ट्रेड एग्जीक्यूशन, और अगर इसके नीचे ही क्लोज हो जाए कैंडल तो मे बी ये शॉर्ट का हमें एक अपॉर्चुनिटी बना के दे सकता है मे बी। ओके, तो मे बी नहीं, ये प्रूफ ऑफ, ठीक है, प्रूफ के साथ दे रहा हूँ आपको। और अब हमें इसमें मतलब अच्छे, मैंने आपको बता दिया है बोलिंजर बैंड्स काम कैसे करते हैं, तो अब हम RSI के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली गाइस RSI में भी अभी दो हमारे क्या कहते हैं मेजर लाइन्स हैं, ठीक है। एक तो है हमारी नॉर्मल RSI और एक है RSI बेस्ड मूविंग एवरेज, ठीक है। तो मूविंग एवरेज आप जानते हो, ठीक है, एवरेज निकालते हो कैंडलस्टिक का कि कितने मूविंग एवरेज में ये मतलब निकल के आती है हमारी एक लाइन, ओके, यानी कि हमारा इंडिकेटर, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम क्या देखेंगे, तो बेसिकली गाइज अगर आप देखोगे RSI को तो इसका एक ऑप्शन होता है, यानी कि इसके दो एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। तो बेसिकली गाइज ये जो रिप्रेजेंट करता है इंडिकेटर, वो ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारे जितने भी मतलब क्रिप्टोज हैं वो ओवर बाय हो रखे या फिर ओवर सेल हो रखे, ठीक है। तो वो यही इंडिकेट करता है, यानी कि हमें ट्रेंड की स्ट्रेंथ बता देता है, ठीक है, कि कितना भी ट्रेंड में स्ट्रेंथ है, कितना डाउनफॉल आ सकता है और कितना अप ट्रेंड जा सकता है मार्केट में। ओके, तो इसकी जो मेजर सेटिंग रहती है वो 70 से 30 की रहती है। जो 70 होता है ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस होता है और ये हमें ये बताता है कि जितने भी हमारे क्रिप्टोज हैं वो ओवर बाय हो रखे हैं, ठीक है, और यहाँ से मे बी मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। और जो हमारा क्या कहते हैं ये अपना RSI है, और ये जो भी है इसका 30% नीचे का, ये बेसिकली हमें बताता है कि मार्केट में ओवर सेलिंग आ चुकी है, यानी कि ओवर क्रिप्टो सेल हो चुकी है, तो मे बी यहाँ से अब हमें अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, तो मैंने अब ये आपको बता दिया, बेसिकली ये ट्रेंथ की स्ट्रेंथ को बताने में मदद करता है और ये हमें इंडिकेशन करता है कि कहाँ हमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है। तो बेसिकली गाइस अब हमें इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है बोलिंजर बैंड्स प्लस RSI का। सो बेसिकली गाइस अगर मार्केट में कंसोलिडेशन फेज चल रहा है, यानी कि देखो इस कंसोलिडेशन फेज में भी अगर आप स्कैल्पिंग करोगे, ठीक है, थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम खोलोगे ना, तो ये जो आपको सेक्शन दिख रहा है इसका बेसिकली, इसमें भी आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, ठीक है। तो देखो यार अगर पहले से हम थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं इसका, ठीक है, तो इसको हम खोल लेते हैं इस चार्ट को बेसिकली 1 सितंबर से। ओके, तो आपको थोड़ा ईजी वे में समझ में आएगा। ओके, सो सितंबर का चार्ट हमने खोल लिया है, ठीक है। तो बेसिकली गाइस देखो प्राइस हमारा अपर बैंड से आया नीचे, ठीक है, इसको भी ब्रेक करा और RSI ने भी हमें हमारी मदद कर दी थी बताने के लिए कि थोड़ा ओवर बाइंग हो रखा है। ओके, तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो कि मूविंग एवरेज है ना और जो RSI है, अगर ये इसको क्रॉस ओवर कर देते, यानी कि जो हमारा मूविंग एवरेज है RSI के ऊपर क्रॉस ओवर कर जाता है, तो मार्केट में हमें डाउन ट्रेंड देखने के लिए बेसिकली मिलता है। और अगर ये ही मूविंग एवरेज और जो हमारा RSI है, अगर ये इसको ऊपर से तोड़ के निकलता है, तो हम कह सकते हैं मार्केट में हमें बेसिकली अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ओके, तो सबसे पहले आप ये देखो मार्केट में हमें अपर हाई देखने को मिला, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऊपर तो हम ट्रेड एग्जीक्यूशन लेते नहीं, हम यहीं से लेते क्योंकि यहाँ से जो हमारी अपर मतलब जो मिडल बैंड है ये हमें कन्फर्मेशन दे देता कि अब मार्केट में डाउनफॉल होने वाला है, प्लस हमें कम्बिनेशन के साथ RSI और बता देता कि हाँ यार मार्केट में अभी डाउन ट्रेंड है और आप एक ट्रेड एग्जीक्यूशन की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो यहाँ से। तो अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती तो आप मे बी यहाँ तक का SL लगा के और इतना अच्छा खासा टारगेट बुक कर लेते, ठीक है। देखो मैं थोड़ा आपको रिस्टो रिवार्ड करके समझा देता हूँ कि कैसे अगर आप शॉर्ट्स में प्रॉफिट बनाते, मे बी ये कैंडल क्लोज होती यहीं से आप अपना एक अच्छा खासा टारगेट रखते, इतना बड़ा मतलब SL लगते, ठीक है, और 1:9 तक का आपको इसमें टारगेट अचीव हुआ है, आप 1:2 तक का भी मैक्सिमम इसमें रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली RSI वर्क ही ऐसे करता है। ओके, देन यार इसके बाद जब हमारा क्या कहते हैं नीचे लोअर बैंड में ये आया, तब बेसिकली कंफर्मेशन और दे देता है, ठीक है, RSI, ठीक है। जब RSI ने देखा कि हाँ यार अब वापस से ब्रेक हो रहा है, बट जो मूविंग एवरेज है ये बेसिकली इसमें आपको इतनी स्ट्रेंथ दिखाई देने को नहीं मिलेगी, ठीक है, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ, एज अ इंट्राडे देखें तो ये भी बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ओके, तो यार जो ये लोअर बैंड है इसके बाद मार्केट में यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन आया, यानी कि ट्रेंड रिवर्स आया
ओके, देन यहाँ पे वापस से अप ट्रेंड में गई, फिर एक कंसोलिडेशन फेस पकड़ा। देखो मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, हमें कभी भी इसमें जो ट्रेड है ना, ना तो अपर बैंड में लेना है ना लोअर बैंड में, हमें सिर्फ वेट करना है मिडल बैंड का, ठीक है। चाहे मिडल बैंड में आती है मार्केट और इसके ऊपर क्लोज कर देती है तो बेसिकली हम अपना टारगेट बना सकते हैं, ठीक है। इजी वे में है, बहुत इजी, मतलब ये बैक टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, और बहुत मिनिमम लॉस होता है आपको, बहुत ही कम। ओके, तो ये जो मतलब इसकी जो रहती है ना, अब विनिंग रेशियो जो रहता है इसका RSI प्लस बॉलिंजर बैंड कम्बिनेशन का, ये आपके अगर आप 10 ट्रेड लोगे तो 7 से 6 ट्रेड आपके प्रॉफिट में ही जाएंगे। ओके, तो वो बात छोड़ो, वो बात वो आप खुद को अपने लाइव एक्सपीरियंस से पता लगेगी ये बात। तो इसके अंदर बॉलिंजर बैंड्स में आपको ये देखो एक कंसोलिडेशन फेस बेसिकली देखने को मिला है। तो मे बी यार अगर कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है, ठीक है, देखो ये एक कंसोलिडेशन फेस बेसिकली आपको देखने को मिला है। तो अब क्या हुआ है इसमें, जो RSI की जो मिडल बैंड है इसके ऊपर क्लोजिंग हुई, तभी हम यहाँ से अपना एक टारगेट एग्जीक्यूशन बना सकते हैं। प्लस RSI ने भी हमें कंफर्मेशन करा, RSI ऊपर ब्रेक करके निकला इसके, ठीक है। और देखो RSI आप यहाँ पे देखो ऊपर ब्रेक करके निकला ना ये, ठीक है, तो इसको भी मतलब क्रॉस ओवर कर दिया, ठीक है। तो फिर एक अच्छी खासी हमने अपॉर्चुनिटी बनाई, यहाँ से एक बड़ा टारगेट बुक करा ऐसे रिच टू रिवार्ड 1:2 तक का मैक्सिमम, ठीक है। तो उसके बाद यार हमें यहाँ पे दिखा, ठीक है, यहाँ पे मतलब प्रॉफिट तो हमने यहीं बुक कर लिया था अराउंड जब इसको क्लोजिंग आई ना, इसमें भी 1:3 तक का मैक्सिमम अच्छा खासा टारगेट बुकिंग हुई होगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो कैसे हम अच्छा खासा टारगेट बना रहे हैं इसके अंदर। ओके, देन और अगर हम बात कर लेते हैं वापस से की, तो इसके अंदर अब आप देखो ऊपर आने के बाद ये अपने जब हायर बैंड में आया तो हम यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं लेंगे। वापस से अगर ये वापस से अपने मिडल इस पे आया, ठीक है, माने कि मिडल बैंड पे आया और इसके ऊपर फिर से क्लोजिंग दी, तो हम एक टारगेट और बना सकते थे अपना, ठीक है। इसमें भी एक छोटा सा टारगेट हमें अचीव हो जाता 1:1 तक का, क्योंकि इसके अंदर ट्रेंड की जो स्ट्रेंथ थी, यानी कि जितने भी हमारे बायर्स थे वो ज़्यादा मार्केट को उठा नहीं पाए थे इसमें, ठीक है। तो यार ऐसे ही हमें वापस से देखो बॉलिंजर बैंड्स के वापस से यहाँ से मतलब टूटा, ठीक है, यहाँ पे हम एक एंट्री ले सकते थे और रिच टू रिवार्ड अपने रख सकते थे 1:2 तक का मैक्सिमम। ओके, देन यार फिर यहाँ पे देखो हमारा RSI बता रहा है कि अब यहाँ मार्केट से एक ओवर बाइंग की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। फिर हमने क्या कहते हैं, जब RSI ने यहाँ पे क्रॉस ओवर किया, हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन में ट्रेड लिया और इतना अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया, ठीक है। तो ऐसे ही है यार, हमेशा मिडल बैंड पे ही आपको ट्रेड बनाना है। ओके, तो दोस्तों कुछ हम ऐसे भी देख लेते हैं जहाँ पे हमारे एक गंदा सा लॉस हुआ है, ठीक है ऑलरेडी। तो पहला जो हमें इस बैक टेस्टिंग में SL देखने को मिलता है, बेसिकली यार अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ ट्रेड लेते तो ऐसा नहीं होता। ओके, देखो अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती, ओके, और एक अच्छे खासे यानी कि एक स्पिनिंग टॉप ऑलरेडी बना रहा है, अगर आपने कैंडल स्टिक के बारे में थोड़ा भी पढ़ाई करा होगा यानी कि नॉलेज होगी, तो आप बेसिकली जानते हो अगर अच्छी खासी अप ट्रेंड में अगर स्पिनिंग टॉप आपको बेसिकली देखने को मिल जाता है तो वो फिर एक ट्रेंड रिवर्सल में माना जाता है, ठीक है। तो बेसिकली गाइज अगर आप अगर ये 1 सितंबर को अगर ऐसा अच्छा खासा यहाँ पे कोई ट्रेड लेते तो आप रुक जाते हैं, ऐसा मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, तो इसके अंदर देखो यार कैंडल के ऊपर क्लोज तो हुआ, एक अच्छी खासी एक कैंडल बनी, स्पिनिंग टॉप ही बना है जिसका स्ट्रेंथ कम है। ओके, तो यहीं से फिर यार RSI ने भी कंफर्म करा था कि यहाँ से हम मे बी पॉजिटिव अप ट्रेंड शुरू होने वाला है, लेकिन यार स्पिनिंग टॉप ऑलरेडी हमें कंफर्म कर दिया था कि अब मे बी मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है। तो वहीं से यार फिर से लोअर बैंड में आ गया ये, ठीक है। तो मे बी यार थोड़ा सा ना नॉलेज रखो कैंडल स्टिक के बारे में कि कैसे वर्क करती है और हमें कैसे बता देती है। ओके, तो पहला मैक्सिमम लोगों का SL यहाँ हिट हुआ होगा, और जो इंटरमीडिएट ट्रेडर्स हैं उन्होंने तो यार अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहीं पर बनाया होगा, क्योंकि उन्हें पता है ऊपर स्पिनिंग टॉप बन चुका है ऑलरेडी और यहाँ से मार्केट में भी हमें ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये जो कैंडल है ना स्पिनिंग टॉप के ऊपर वाली, जो बिल्कुल लो स्ट्रेंथ स्पिनिंग टॉप है, ये मिडल के ऊपर क्लोज नहीं हुई। ओके, ठीक है, तो वैसे ऊपर इसके क्लोज नहीं हुई है, तो मे बी यहाँ से हमें रिजेक्शन देखने को बेसिकली मिल गया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अब जो मिडल अपर, ठीक है, मिडल जो हमारी मिडल ये है बॉलिंजर बैंड, ये है क्या कहते हैं अपर बॉलिंजर बैंड, ये है अपना क्या कहते हैं डाउन बॉलिंजर बैंड, ठीक है। तो इसके अंदर भी यार ऐसा ही हुआ है, मिडल पे स्पिनिंग टॉप बना है, यही अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल रही है। तो बेसिकली यार ये वर्क ही ऐसे करती है। ओके, तो बस एक चीज़ से बचना यार,
एक बहुत छोटी न्यू रेंज फॉर्मेशन से बचना, इसमें बिल्कुल कंसोलिडेशन मत करना, ठीक है। तो बेसिकली गाइज ये हम कैसे मतलब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब RSI और मूविंग एवरेज का बार बार मतलब कंफर्मेशन हो रहा हो, मतलब बार बार क्रॉस ओवर हो रहा हो छोटे छोटे उसमें, तो बेसिकली गाइज यहाँ से ट्रेड एग्जीक्यूशन रहने देना, ठीक है। एक मार्केट आप मान सकते हो, एक छोटे वे में एक साइडवेज चली गई है, ठीक है। तो देखो यार एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो इस स्ट्रेटेजी से, बहुत ही सही। बस मैं आपको 3 रूल्स बता देता हूँ इस स्ट्रेटेजी के। सो गाइस जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि हमें जो हमेशा जो ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है वो सबसे पहले अगर RSI और मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो रहा हो, यानी कि दोनों तरफ से, चाहे RSI नीचे क्रॉस ओवर कर रहा हो या फिर मूविंग एवरेज ऊपर इसके क्रॉस ओवर कर रहा हो, तभी हमें इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है। पहला रूल बता दिया है मैंने। दूसरा रूल ये है कि अगर ये हमेशा हमें मिडल बॉलिंजर बैंड पे ही ट्रेड लेना है, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है तब हम एक ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे, और अगर मे बी इस अपर बैंड मिडल बैंड के नीचे कैंडलस्टिक क्लोज हो जाती है तो हम एक डाउन ट्रेंड का एक ट्रेड एग्जीक्यूशन करेंगे, यानी कि जो हमारी मिडल बॉलिंजर बैंड है इसके बीच में ही हम एक अच्छा खासा ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रखेंगे। और जो हमारा थर्ड रूल है वो है कि हम इसमें कंसोलिडेशन फेज में कभी ट्रेड नहीं करेंगे, यानी कि जो भी कोई न्यू रेंज आ रही है इसके अंदर, यानी कि एक छोटी सी न्यू रेंज फॉर्मेशन बन रहा है, तो उसमें हम बिल्कुल ट्रेड नहीं करेंगे। ओके, तो इसको मैंने बता दिया कि कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो इस न्यू रेंज को। तो बेसिकली गाइस अगर मूविंग एवरेज और हमारे RSI लाइन का बार बार क्रॉस ओवर हो रहा हो इंडिकेटर्स का बीच में बार बार, तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से एक न्यू रेंज फॉर्मेशन है और आप यहाँ से एक ट्रेड नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो बस हमें जो ट्रेड बनाना है वो अपर मार्केट में बनाना है, अप ट्रेंड में बनाना है, और मेबी और डाउन ट्रेंड में बनाना है। ओके, तो जो हमारा लास्ट एंड थर्ड रूल यही कहता है कि न्यू रेंज फॉर्मेशन जहाँ हो रही होगी वहाँ हम ट्रेड नहीं लेंगे, और ये जो हमारा बेस्ट तरीका है जो हमें बता सकता है, एक RSI और मूविंग एवरेज का दोनों का बार बार क्रॉस ओवर हमें बता सकता है, ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे, बेसिकली 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कह सकते हैं। और एक चीज़ और बता सकती है, वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का नीचे आप देख रहे हो कि वॉल्यूम बिल्कुल यहाँ से गिर चुकी है, जो भी एवरेज वॉल्यूम आती है उससे भी कई ज़्यादा वॉल्यूम इसमें गिर जाती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो यहाँ पे बायर और सेलर है वो दोनों ही आपस में एक छोटे टाइम फ्रेम पे एक आपस में फाइट कर रहे हो, कि सेलर्स और बायर दोनों। तो ऐसे मैंने आपको तीनों रूल्स बता दिए, आपको कंफर्मेशन दे रहा हूँ। पहला जो रूल है, अगर हमारा क्या कहते हैं मूविंग एवरेज और या फिर RSI है, इन दोनों का क्रॉसओवर हो जाता है तब हम इसमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनाएंगे, ठीक है, अच्छा खासा क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ। और दूसरा, और इसके साथ एक कम्बिनेशन हो रहा है, वॉल्यूम भी अच्छी खासी आई तो हमें क्रॉसओवर देखने को बेसिकली मिल सकता है। ओके, तो दूसरा जो हमारा वो है कि हमें इसके अंदर हमेशा मिडल बॉलिंजर बैंड पे ही ट्रेड लेना है, अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाती है जैसे ये हुई है, ठीक है, तो फिर हम इसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन की अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं, यानी कि अप ट्रेंड में एक लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं बेसिकली फ्यूचर ट्रेडिंग्स में। और अगर इसमें अंदर हमें इस मिडल बॉलिंजर बैंड के नीचे क्लोज हो जाती है, ठीक है, तो इसके बाद हम एक डाउन ट्रेंड की यानी कि एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बिल्ड कर सकते हैं यहाँ से। और जो हमारा थर्ड रूल है कि हमें न्यू रेंज फॉर्मेशन में कभी ट्रेड नहीं करना है, न्यू रेंज फॉर्मेशन में ट्रेड करोगे तो कभी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, मार्केट साइडवेज ही चलेगी और मे बी क्या पता आपका मतलब कभी स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए, ठीक है, तो साइडवेज मार्केट थोड़ा रिस्की रहता है इसके अंदर। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और आपको ये RSI प्लस बॉलिंजर बैंड्स का कॉम्बिनेशन का एक स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो इसको भी यार सपोर्ट करना, ठीक है, दोस्तों को शेयर करो और ये स्ट्रेटजी आप अपनाओ, ठीक है। RSI और बॉलिंजर बैंड की जितनी भी सेटिंग्स आपको डिफॉल्ट पर रखनी है। तो बस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके।